विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी अर्थव्यवस्था तथा उसके प्रकारों के बारे में। आज हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था चाहे विकसित हो, अविकसित हो, विकासशील हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो अथवा समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। क्योंकि अर्थव्यवस्था कोई भी हो, उनके पास संसाधन सीमित होते हैं और इन सीमित संसाधनों से ही उन्हें अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। इसके लिए उन्हें चयन की समस्या आती है। उनको चयन करना होता है कि कौन से कार्य किए जाएं, किन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और किन कार्यों को आगे के लिए टाल दिया जाए। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है साधनों की सीमितता। अब साधन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में जो उत्पत्ति के साधन हैं उनको हम भूमि, पूंजी, श्रम, साहस तथा संगठन, ये पांच उत्पत्ति के साधन हैं जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और ये जो साधन है, इन साधनों की प्रत्येक अर्थव्यवस्था में सीमितता होती है। पूंजी सीमित होती है, कुशल श्रम शक्ति भी सीमित होती है, उद्यमियों में साहस यह भी सीमित मात्रा में होता है और अर्थव्यवस्था का जो संगठन है वह भी सीमित मात्रा में होता है। और भूमि तो सीमित मात्रा में होती ही है और भूमि पर पाए जाने वाले जो संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, इनकी भी सीमितता होती है। तो इस तरह हम देखें कि अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं उन केंद्रीय समस्याओं के कारण क्या है। दो मुख्य कारण हमको यहाँ पर मिलते हैं। पहला है साधनों की सीमितता तथा असीमित आवश्यकताएं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपने सीमित संसाधनों से अनेक कार्य करने होते हैं और इसके लिए असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति उन सीमित साधनों से नहीं की जा सकती है। और यहीं पर चयन की समस्या पैदा होती है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था में किन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करना है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि साधनों की सीमितता और अर्थव्यवस्था की असीमित आवश्यकताएं तथा इनके बीच में अपने संसाधनों को किन वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जाए, अर्थात चयन की जो समस्या है, यही किसी अर्थव्यवस्था की आधारभूत या केंद्रीय समस्या होती है। आइए हम देखते हैं कि वे कौन सी समस्याएं हैं जिनका हमें अपनी सीमित संसाधनों के माध्यम से पूर्ति करना होता है। विद्यार्थियों, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में जो पहली समस्या है वह है वस्तुओं के चयन की समस्या, अर्थात किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था कोई भी हो, उनमें पूंजीगत वस्तुएं तथा उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में कितने संसाधनों को लगाया जाए, यह निर्धारित करना कठिन होता है। विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में ये अलग अलग होता है। अलग अलग देशों की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकताएँ अलग अलग होती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यह कीमत प्रणाली के द्वारा निर्धारित होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए, तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज अर्थात सरकार के आदेश से तय किया जाता है। दूसरी जो समस्या होती है वह है उत्पादन की रीति क्या हो, अर्थात पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाए अथवा श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाए। जिन अर्थव्यवस्थाओं में श्रम शक्ति की प्रधानता होती है वहाँ पर श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग होता है, तथा जहाँ पर श्रम शक्ति की कमी होती है या कुशल श्रम शक्ति कम मात्रा में होती है तथा श्रम शक्ति महंगी होती है वहाँ पर पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यह निर्णय लेते समय साधनों के सापेक्षिक मूल्यों के अलावा नियोजन का उद्देश्य, यानी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक नियोजन है उसका उद्देश्य क्या है, इसके आधार पर भी उत्पादन की तकनीक का निर्धारण होता है। तीसरी जो समस्या है, उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि सभी आय वर्ग के लोग होते हैं, अर्थात आय का अगर असमान वितरण है, यानी उच्च आय वर्ग के लोग अधिक हैं, ऐसी स्थिति में विलासिता की तथा आरामदायक वस्तुओं की मांग अधिक होती है। तो
उच्च आय वर्ग के लोग अधिक होंगे तो इस तरह की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तथा उनका उत्पादन अधिक होगा। लेकिन अगर आय का वितरण समान है जैसा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है, वहां पर सभी लोगों के काम में आने वाली अर्थात उपभोग वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में होगा, अर्थात सभी के हितों को ध्यान में रखकर वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। चौथी जो समस्या होती है वह होती है पूर्ण रोजगार के स्तर की स्थापना कैसे हो। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में, चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सभी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना एक चुनौती होती है। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में श्रम शक्ति बेरोजगार है तो यह स्थिति अच्छी नहीं कही जाती। तो देश में उपलब्ध समस्त श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना अर्थात पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना प्रत्येक अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य होता है। पांचवी जो समस्या है वो संसाधनों के उपयोग तथा उत्पादन के वितरण में कुशलता कैसे प्राप्त हो। उत्पत्ति के जो संसाधन हैं उनका किस तरह से कुशलता से उपयोग किया जाए कि उनसे अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो और कोई भी साधन बेरोजगार ना रहे। तो इस तरह से साधनों के कुशलतम आवंटन तथा उनसे अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना यह भी अर्थव्यवस्था की एक मुख्य समस्या होती है। छठवीं समस्या होती है आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसे तेज की जाए। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन के द्वारा तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के द्वारा तथा उद्यमियों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करके तथा निजीकरण को बढ़ावा दे करके आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करना यह भी अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या होती है। इस प्रकार हमने देखा कि अर्थव्यवस्था कोई भी हो, सभी अर्थव्यवस्थाओं में कुछ समस्याएं होती हैं जिन्हें हम उनकी केंद्रीय समस्या कहते हैं तथा इन समस्याओं का कुशलता से इनको दूर करना ये अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती होती है। आज के इस वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में जाना। आगे भी आप हमारे वीडियो देखते रहें, इसी तरह आपको ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको निरंतर उपलब्ध कराते रहेंगे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह उपयोगी वीडियो लगातार देखने के लिए उपलब्ध होते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।